खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर राजस्थान में अध्यापक द्वारा दलित बच्चे को पीट पीट कर जान से मारने की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि दूसरा मामला यूपी के उन्नाव के अंतर्गत आने वाली बीआरसी हिरौली क्षेत्र से शिवराज खेड़ा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट से, जहां पर हेड अध्यापक रामासरे द्वारा कक्षा 3 के बच्चे को बिना वजह जमकर पीट दिया गया। बच्चे की पिटाई के बाद हेड अध्यापक द्वारा स्वीकारने के बावजूद भी हेड अध्यापक पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बच्चे के पिता ने न्याय के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर मोरावा थाने का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे भी न्याय अभी तक नहीं मिला। मेरा नाम रमेश चंद यादव है। हम मोरावा थाना इसी समय आए हैं, किस वजह से आए, क्या पूरा मामला? मोरावा थाना हम इस वजह से आए हैं कि हमारा बेटा जो है शिवराज खेड़ा विद्यालय में जाता है, जो कक्षा 3 में है। इस समय हमारे बेटे को हेड अध्यापक राम आश्रय करके हैं, उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा पीटा है, जिसके पीछे भी निशान है और ये शरीर पर आगे भी निशान है। इसको गिरा दिया है, पीठ पे भी मारा है, और कहते हैं कि हम मारते मारते बच्चों की नानी याद दिला देते हैं, जिसकी सूचना हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया, वहाँ से हमको रिसीविंग भी मिली। रिसीव करके उन्होंने हमारी तहरीर को रिसीव किया है, रिसीव जो कि हमारे पास रिसीव दे दिया है। रिसीव देने के बाद हम सीधा मोरावा थाने आए हैं, यहाँ पर हमने लिखित स्वरूप दिया है कि हमारे बेटे के साथ ऐसी ऐसी बदसलूकी हुई है, जिस पर मोरावा थाना प्रभारी ने कार्यवाही की बात कही है। अब क्या करते हैं, जांच के लिए बोला, जांच करेंगे, फिर करेंगे जो भी करना है। यदि इस पर कार्यवाही नहीं होगी तो हम ऐसे नहीं रुकेंगे और भी आगे बढ़ते जाएंगे। हिरौली उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।